हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉक अबाउट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 6 कंबसन एंड फ्लैम। इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन, देन कंबस्टिबल and non-combustible substance. Then we discuss about flammable and inflammable substance like petrol, diesel, petroleum, liquefied petroleum gas, alcohol and some more inflammable substance. In the last lecture we have discussed about how do we control fire. हम fire को कैसे control कर सकते हैं उसके बारे में हमने discuss किया था कि मेन बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फायर का बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ the gas stove. What do you observe? यहाँ पे caution भी दिया गया है, do not handle the gas stove yourself. Ask your parents to help. Okay? So आपको यहाँ पे एक activity करनी है। क्या करना है? Matchstick या फिर gas lighter को gas के stove के पास ले जाना है and gas stove का जो knob है वो on करना है। Okay? तो आप क्या पाओगे कि जैसे ही आप गैस स्टोव ऑन करोगे वो उसमें से गैस निकलेगा एंड क्या होगा, बर्न होना, मींस फायर लग जाएगी। ओके, वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ओके, मींस गैस जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, मींस फायर, गैस से फायर होगी एंड हीट एंड लाइट। वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट एंड लाइट। ओके, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ओके, मींस तुरंत फायर लग जाता है वहां पे, जैसे ही हम बर्न करते हैं तो वो क्विकली क्या हो जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन या फिर डिफाइंड वर्ड में रैपिड कंबशन पूछा जा सकता है। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस व्हिच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो फास्फोरस जैसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्न्स इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अप्रेट काउज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, जैसे कि हमने देखा कि फास्फोरस ऐसे ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि विदाउट कोई भी उसे कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए फिर भी वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्ट इन मैनी डिस्ट्रेस फायर्स इन कोल माइंस। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्रीक। हाउएवर, मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। सो मोस्टली जो भी फायर होती है, फॉरेस्ट फायर होती है, वो ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस से होती है। मीन्स कहीं पे भी आप पिकनिक पे गए हो तो आप क्या करते हो, वहां पे वुड
जो है ड्राई वुड को कलेक्ट करके उसमें फायर करते हो, या फिर कोई भी फायर वहां पे लगा के ऐसे ही छोड़ देते, तो उससे फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो इसीलिए कहीं पे भी आप जाओ या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर कहीं पे जाते हैं फॉरेस्ट में, तो क्या करना चाहिए, जो भी फायर लगाई हो तो वो फायर को कंप्लीटली एक्सटिंग्विश करके, मीन्स बुझा के ही वहां से निकलना चाहिए। ओके, एंड आपने नोटिस किया हो, मीन्स आपने टीवी में भी देखा होगा, या पहले के जो आदि मानव थे तो वो क्या करते थे, स्टोन से, टू स्टोन लेकर उससे आग लगाते थे। ओके, उसे टू स्टोन को, मीन्स पत्थर को, दोनों पत्थर को घिस के उसमें से फायर प्रोड्यूस करते थे। तो उसी तरह से फॉरेस्ट में ब्रांचेस जो होती है, वो ब्रांचेस एक दूसरे के साथ घिसने से भी फायर होता है, उससे भी फॉरेस्ट फायर हो जाता है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर्स इज इग्नाइट अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। ओके, तो आप जब, आपने अभी दिवाली में भी पटाखे जलाए होंगे, क्रेकर्स। ओके, सो वो क्रेकर्स मीन्स फायरवर्क्स जो है वो आप जलाते हो, तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट भी देता है एंड साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, पटाखे आपने जलाए होंगे क्रेकर्स, तो उसमें से आपको, आप जब उसे जलाते हैं तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है एंड हीट भी प्रोड्यूस होती है। ओके, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है एक्सप्लोशन, एंड डिफाइन द वर्ड, तो आपको याद रखना है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेट, अ सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ओके, एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रेकर। ओके, तो एक्सप्लोजन कब होता है, जबकि वो क्रेकर पे प्रेशर अप्लाई किया जाए। ओके, तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। सो फ्रेंड्स, फ्लेम तो आप सबने देखी ही होगी, जब हम मैचस्टिक जलाते हैं तो उसमें से भी क्या निकलता है, फ्लेम। देन कैंडल जलाते हैं तो कैंडल में से भी क्या निकलता है, मीन्स कैंडल जो है उसकी भी क्या होता है, उसमें भी फ्लेम। ओके, एंड गैस स्टोव में भी फ्लेम से हीट प्रोड्यूस होती है, फायर प्रोड्यूस होता है। ऑब्जर्व एंड एलपीजी फ्लेम, एलपीजी मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, जो हम घर में बर्नर में यूज करते हैं। ऑब्जर्व एंड एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, एलपीजी की जब हम फ्लेम जलाते हैं तो उसका कलर कौन सा है, कौन सा होता है, गैस स्टोव में से, गैस में से जो हम गैस स्टोव को चलाते हैं और उसमें से जो फ्लेम निकलती है उसका कलर कौन सा होता है, यस, स्काई ब्लू कलर का। ओके, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, कैंडल के फ्लेम का कलर कैसा होता है, यस, इट इज येलोइश ऑरेंज। ओके, रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। सो हमने क्लास 7 में क्या किया था, मैग्नीशियम का रिबन को बर्न किया था, जलाया था। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल नंबर 6.2, यू कैन डू दैट नाउ। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी से मटेरियल दिए गए हैं तो उनको जलाना है, उनमें से कौन से बर्न होते हैं, उसमें से फ्लेम निकलती है एंड कौन से मटेरियल में से फ्लेम नहीं निकलती। ओके, लाइक कैंडल, सो आपने देखा ही होगा कैंडल में फ्लेम होती है, मैग्नीशियम में फ्लेम होती है या नहीं, नहीं। देन कैम्फर मीन्स कपूर हम जिसे बोलते हैं, कैरोसिन स्टोव एंड चारकोल, तो आपको ये टेस्ट घर पे करके देखना है, बट प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की प्रेजेंस में आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, गैस स्टोव एंड कैंडल की
फ्लेम दी गई है, तो आप कलर देख सकते हो येलोइश ऑरेंज एंड यहाँ पे क्या है स्काई कलर. ओके, फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर. सो बंसन बर्नर आपने लैब में देखा होगा, कैंडल एंड इट इज कैरोसिन लैम्प. ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन विद ऑन बर्निंग द मटेरियल्स फॉर्म अ फ्लेम और नॉट. आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्लेम एंड टाइप्स ऑफ कंबशन. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.